का रुख करते हैं। सबसे पहले शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। शाजिया को अमित शाह ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई और फिर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शाजिया ने बीजेपी में शामिल होने की खुशी जताई। हालांकि शाजिया ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। शाजिया के साथ संगीतकार आनंद राज आनंद भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। शाजिया ने पिछले साल जब अक्टूबर में स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू उठाई थी पहली बार, दिल्ली बीजेपी की तरफ से 9 लोगों में से थी जिन्हें नॉमिनेट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के लिए, मोदी की तारीफ के कसीदे पड़े थे, तब से उम्मीद जताई जा रही थी कि शाजिया कब बीजेपी में शामिल होंगी। और चुनाव से एन पहले 7 फरवरी को चुनाव है, 10 को चुनाव में गिनती है वोटों की, तो ऐसे में शाजिया इल्मी शामिल होती हैं बीजेपी में और साफ तौर पर कहा कि मोदी जी ने एक नए तरह के संवाद की शुरुआत की है और पार्टी को वो आगे लेकर जाना चाहती है। एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है ये, वाकई में मैं अवसर के तौर पर देखती हूँ। ये अवसर है अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने का, आम जनता की सेवा करने का। सालों साल मैं पत्रकार रही, लगातार मैंने खबरों की समीक्षा की, मैंने देखा एक एनालिस्ट के तौर पर, एक कॉमेंटेटर के तौर पर, लेकिन मुझे लगा कुछ करने और करने की जरूरत है। इतना काफी नहीं है सिर्फ दूर से देखना और उस पर कुछ बयानबाजी करना। फिर एक मौका मिला, कमाल का वो आंदोलन था और एक अदना सी सिपाही थी मैं अन्ना हजारे आंदोलन की, और उस आंदोलन से मैंने सीखा कि एक सामान्य भारतीय होने के नाते, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते कितना कुछ आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी आपको पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। हम भारतीय जनता पार्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आप देख सकते हैं शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल हुई, उन्होंने कहा एक नई शुरुआत है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नई दिशा में उन्होंने कदम रखा है और ये भी कह डाला कि झाड़ू प्रेम उनका पुराना है। और लगातार जो ट्वीट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पर शाजिया ने कहा कि अगर ट्वीट का सिलसिला शुरू होगा, ट्वीट वॉर शुरू होगी, तो फिर मामला आगे तक खिंचता चला जाएगा। हम आपको सीधे